बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मेरे सब खैरियत होंगे, खुश और खुर्रम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। वो है मज़ेदार सा कलेजी पोटा। इसकी रेसिपी है बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की है। चलिए व्यूअर्स, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हम कौन से पॉइंट पर कौन सा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और किस मिकदार में शामिल करेंगे। टेस्टी और लाजवाब से बन रहा है कलेजी और पोटा की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और मज़े की है। लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मज़े मज़े के कमेंट्स देकर मेरी इसलाह करने का, थैंक यू सो मच। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मज़ेदार से तैयार करते हैं कलेजी पोटा। चलिए व्यूअर्स, तैयार करते हैं कलेजी पोटा। ज़बरदस्त बेहतरीन से इसके इंग्रीडियंट्स नोट कर लें, किस पॉइंट पर हम कौन सी चीज़ शामिल करेंगे। देखिए मैं ले ली है और इसमें मैंने डाल दिया ऑयल और प्याज डाल दिया, तकरीबन 2-10 मीडियम साइज का। इसको हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। सबसे पहले सभी यूर क्योंकि ऑयल डालते ही हम इसको प्याज को फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। बस ये याद है कि ऑयल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आप प्याज बहुत फ्राई कीजिएगा क्योंकि इससे प्याज को फ्राई होने में टाइम लगता है। क्योंकि आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा कलेजी पोटा, बहुत टेस्टी और मज़े का। तो कम्प्लीट वीडियो को वॉच करना आपने। इस पर मैंने तकरीबन ये 3 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चें अच्छे से कट कर लिए हैं, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। जी हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, अच्छे में ये कलेजी पोटा मेरे पास है, ये हम सारा इसमें शामिल करेंगे अच्छे से वॉश करने के बाद। तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें हम प्याज से थोड़े अच्छे से, हम हमने फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देना है ऐसे, और इसके हमने प्याज के साथ अच्छे से कलेजी पोटे को फ्राई कर लेना है। देखिए बस मैंने कलेजी पोटी को पोटे को अच्छे से फ्राई कर लिया है प्याज में, इस पॉइंट पर मैं ये टमाटर और हरी मिर्चें का कुछ डालना चाहता हूँ। तकरीबन 3 अदद टमाटर थे और हरी मिर्चें भी डाल दिए, और साथ ही ये 4-5 ज़्यादा लहसुन के पीछे मैंने बारिश ऑफ करिए बेसन डाल दिए ताकि इस साथ इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। मैंने भी इसको बारिश बारिश ऑफ करके लहसुन के इसमें शामिल कर दिया, भून लिया और फिर इसके बाद हम इसमें ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। फिर उसमें भी देखें टमाटर प्याज और हरी मिर्चें ऐसे थे, इसमें लहसुन के साथ हमने इसकी भुनाई कर ली है ग्रेवी कोटे की। अभी बस ड्राई स्पाइसेस जो डालेंगे वो दिखा दूँ। 1 teaspoon हमने सॉल्ट डाला है, 1 tablespoon रेड चिली है, 1/2 tablespoon धनिया पाउडर है, 1/2 teaspoon हमें हल्दी पाउडर चाहिए और 1 teaspoon हमें चाहिए जीरा साबुत, वो हम इसमें अच्छे से शामिल करेंगे। ये ड्राई स्पाइसेस है जो इसमें हमें शामिल करना है। चलिए बस हम इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल कर देंगे। देखिए टमाटर भी बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है, अब सारे ड्राई स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर देंगे, खिलाड़ हो गई है, और यहाँ हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये बेस मसाले जो लगे थे प्लेट में वो हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि सारे मसाले थोड़े अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाला चलेंगे। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त आज हमारी कलेजी पोटा की रेसिपी आपके साथ शेयर की मैंने, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी ये मज़ेदार सी कलेजी पोटा तैयार होगा इंशाल्लाह। चलो रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बस बहुत ही मज़ेदार सी आज की रेसिपी तैयार होने वाली है। मेरे बस माशाल्लाह माशाल्लाह मसालों के साथ कलेजी पोटे की बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है। इस टाइम पर बस एक हल्का जमा हुआ दही है मेरे पास, फिर बस मैं आपको दिखा दूँ, ये हम इसमें तकरीबन 2 tablespoon भरकर शामिल करेंगे। ये देखें हमने इसमें डाल दिया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार सी कलेजी पोटा का रेसिपी आज शेयर कर ली आपसे। आप जरूर को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी जबरदस्ती यह तैयार होगी। ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्ती कलेजी हमारी पोटे के साथ अच्छे से तैयार हो रही है। इस टाइम पे हम इसका मसाला अच्छे से तैयार करेंगे और जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, दही का पानी भी अच्छे से इसमें खुश्क होगा, टमाटर प्याज भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं और हम इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। तो दही का पानी भी बस वही उसी से ही अच्छा सा इसी ग्रेवी तैयार होगी इंशाल्लाह। देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त मली मसाले की बुनाई हो चुकी है और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर व्यूअर्स कलेजी पोटा बहुत जबरदस्त बेहतरीन सिस्टम पे कम्प्लीट तैयार हो चुका है। व्यूअर्स टाइम पर मैं आपको अच्छे से सर्व करके दिखाऊंगी, तो ये व्यूअर्स आपको दिखाते हैं। इस टाइम पर व्यूअर्स मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद, देखिए फिर सुबह को स्लो रखा था मैंने फ्लेम, इसको बंद कर देना। ये खूबसूरत सा मैंने बॉल ले लिया,
इसमें मैं शिफ्ट करूँगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखो बस माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलेजी पोते की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करी मैंने, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना। ये हरा धनिया और हरी मिर्ची है मेरे पास फ्रेश, हमें थोड़ा सा पे ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी। ये हरी मिर्ची को मैं इसके ऊपर ऐसे रखूंगी। बहुत टेस्टी और जबरदस्त है, हमारी रेसिपी इस टाइम पे कंप्लीट हो चुकी है। खाएं, मजे लें, टेस्ट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा कि आज की रेसिपी आपको क्लेजी पोटा की कैसी लगी। बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी ज़बरदस्ती तैयार होगी। इसी के साथ व्यूअर्स आपसे इजाज़त चाहूँगी, ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।